वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर बच्चों के लिए घर पर आप फेरो रोशे की चॉकलेट किस्सा बना सकते हैं। बहुत देरी से फरमाइश थी तो चीज़ें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं चीज़ें कुछ कर चुकी हूँ वो उसकी क्रशिंग है, चॉपिंग है। तो ये आप देख लें, ये बिस्किट है, वेफर के बिस्किट जो आपको पाकिस्तान में मिलते हैं। आप चॉकलेट का इस्तेमाल कर ले, अगर आपको चॉकलेट का नहीं मिलता है तो आप वनीला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि हम अब्रॉड में रहते हैं तो मुझे यहाँ पर हेज़ल नट के जायके वाले ये वेफर बिस्किट होते हैं जो हमें काफ़ी थोड़े से लंबे से मिलते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी इसको चॉपर में डाला, उसको क्रश कर लिया। उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर हेज़ल नट। देखिए आपकी लाइफ ईजी कर देते हैं। अगर आपको हेज़ल नट नहीं मिलता है तो फिर आप सिंपली क्या करेंगे, बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट एन इशू। चॉपर में डाले और आपने इस तरीके से इसको दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। तो ये हो गए बादाम हमारे पास, आपके लिए बादाम। मेरे पास यहाँ पर ये हेज़ल नट्स हैं। बीच में हम डालेंगे नटेला जो आपको जार्स में मिलता है, ये वो हो गया। और जो हमने इसकी कोटिंग करनी, उसके लिए आपको चाहिए होगी चॉकलेट चिप्स, दोबारा हेज़ल नट आपको चाहिए, और साथ में आपको चाहिए कोकोनट का ऑयल। आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं वेजिटेबल ऑयल, नॉट एन इशू। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। जो वेफर हमारा यहाँ पर आप देख लें क्रश हुआ हुआ है, इसी में आप डाल देंगे ये तमाम। मैं हेज़ल नट इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप लोग मिक्सअप ना हो जाएं, इसलिए साथ साथ कह रही हूँ, लेकिन आप बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप बीच में पहले इसको हाथों से पहले मिक्स कर लें और फिर आपको नेक्स्ट डे मिक्स कर लेने के बाद इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि आपका नटेला है, और एक चमचे की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये काफ़ी स्टिकी होगा लेकिन आपको चमचे का इस्तेमाल करना है और अच्छी तरह नटेला को जो है इस मिक्सचर में मिक्सअप कर लें। इस तरह आपने इसको मिक्स करना है, मिक्सिंग भी आपको दिखा दी ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। तो अच्छी तरह नटेला को जो है इस मिक्सचर में मिक्स कर लें। मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को दोबारा कन्फ्यूजन हो के चमचे से मिक्स नहीं हो रहा था तो हम नहीं कर पाए, तो देख लें आप हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या है कि ये मिक्सचर जो काफ़ी स्टिकी होता है, नॉट फॉरगेटिंग के बीच में हमने नटेला डाला हुआ है, तो ये हमारा मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स हो गया, ये देख लें, ठीक है। उसके बाद आप इसे आप कवर कर दें और इसको तकरीबन 20 मिनट दे दें फ्रिज में। आजकल गर्मी काफ़ी है तो मेरे ख्याल से आधा घंटा दे देते हैं फ्रिज में, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। इसको बाहर निकाल लेंगे, आधे घंटे बाद स्पून लेंगे, बिट बाय बिट लेंगे इसको। ये देखें अब परफेक्टली जो है आप इसको आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। इस तरह इसको आपने गोल बना लेना है और इस तरह तमाम जो यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर है इसको बना करके एक ट्रे पर जो है आप इकट्ठा कर लें। से आपने इसकी राउंड शेप बना लेनी। अब आप इसे रख देंगे फ्रीजर में 15 से 20 मिनट। हमारी चॉकलेट का जो मिक्सचर है फ्रीज हो रहा है, हम यहाँ पर करेंगे चॉकलेट को मेल्ट। इसे डबल बॉयलर कहा जाता है, आपको बहुत दफ़ा बताया है। नीचे पैन में पानी होता है, पैन को नहीं छूना चाहिए, स्टीम इसमें बन रही होती है नीचे। और इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपकी चॉकलेट चिप्स हैं, और आप इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल या फिर आप डाल सकते हैं वेजिटेबल ऑयल, और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करते रहें जब तक ये कम्प्लीटली ये मेल्ट। कम्प्लीटली आपकी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी हुई है, और जो हमने चॉकलेट का मिक्सचर बना करके फ्रीजर में रखा है वो फ्रीज़र भी हो चुका हुआ है। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपके आपको वॉलनट्स सॉरी हेज़ल नट दिखाया था, और इसको अच्छी तरह इसमें पहले मिक्स कर, इसको हमने कर लिया यहाँ पर मिक्स। और ये मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया ट्रे। अब आप एक पीस लेंगे, इसके नीचे आप लगाएंगे टूथपिक को, अच्छी तरह अंदर पुश इन करेंगे आप इसको इस तरह, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे मिक्सचर बनाया है इसमें आप इसको अच्छी तरह यूँ डिप करेंगे, कवर कर लें इसको अच्छी तरह, और दोबारा इसी ट्रे में रखकर हम इसको फ्रिज में रखेंगे फॉर अबाउट रफली अबाउट 20 मिनट्स दे देंगे, ताकि जो है ये जो हम इस पर कोटिंग कर रहे हैं ये सारी की सारी ऊपर ड्राई हो जानी चाहिए। तो कवर करेंगे, फ्रिज में रख दें 15 से 20 मिनट के लिए, और फिर से हम डिश आउट। परफेक्टली जो है ऊपर चॉकलेट जो हमने कोटिंग की थी फर्म अप हो चुकी है, अब इसे हम डिश आउट। आपके होममेड फेरो रोशे जब आपने इसको सर्व करना है, आजकल काफ़ी गर्मी है, आप इसको फ्रिज में रखते हैं और सर्व करते वक्त आप इसको 5 से 10 मिनट पहले निकाल लें और इसे डिश आउट कर सकते हैं। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज cookwithfaiza.net पर। जरूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।